ये है एक हमारे पास खराब नेक बैंड। इसको खराब होने के बाद लोग बाग इसको फेंक देते हैं, लेकिन भाई अगर आपके पास इस टाइप के खराब नेक बैंड पड़े हुए हैं तो उनको भूल कर भी मत फेंकना। खराब नेक बैंड से मैं एक ऐसा जुगाड़ बनाकर दिखाने वाला हूँ आप सभी को, जो कि आपने अभी तक नहीं देखा होगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते और फटाफट से वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले भाई आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे अभी 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, फटाफट से 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर करा दीजिए यार भाइयों। तो भाई ये है मेरे पास खराब नेक बैंड और ये बच्चों के हाथ में आ गए थे तो उन्होंने अच्छी तरीके से इसको खराब कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो बटन निकाल लिए हैं और यहाँ पर टेप लगा रखी है, स्पीकर के अंदर भी होल करके मतलब सारा मटेरियल निकाल दिया है, पीछे की साइड से भी खोल दिए यहाँ पर। और अब यहाँ पर हम सबसे पहले इनको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के लिए यहाँ पर मैंने टेप हटा दिए और यहाँ पर जो है ये कंपनी की है भाइयों, तो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली इनको चिपका रखा है वाटर प्रूफ बनाने के लिए, तो यहाँ पर मुझे इसकी बॉडी तोड़ कर ही निकालना होगा। अगर आपके यहाँ पर स्क्रू दिए गए हैं, अगर आप भी इस प्रोजेक्ट को बनाते हो तो स्क्रू को खोल लीजिए और अच्छी तरीके से निकाल लीजिए। यहाँ पर देख सकते हो भाइयों जो हमने इसका पूरा सिस्टम बाहर निकाल दिया है, ये वाटरप्रूफ है तो इसके साइड में और भी यहाँ पर सिलिका लगी हुई है तो इनको भी निकाल देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो जो इसका पूरा मेन पीसीबी है हमने निकाल दिया इसके अंदर से, तो भाई यहाँ पर अभी इसका यूज़ करेंगे। लेकिन इसके साइड में जो आप देख सकते हो ये बैटरी वाला सेक्शन दिया गया है, तो यहाँ पर इसको भी हम ओपन कर लेते हैं और फटाफट से बैटरी भी निकाल देते हैं इसके अंदर से। तो फाइनली गाइज आप देख सकते हो इसमें से मैंने बैटरी को निकाल दिया है और इसके अंदर जो कंपनी वाली बैटरी लगी हुई है वन प्लस की, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बैटरी है। हम इस प्रोजेक्ट को जो बना रहे हैं इसके अंदर भी इस बैटरी का यूज़ कर सकते हैं, और भाई अगर आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बैटरी होती है कंपनी वाले जो होते हैं उसके अंदर। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शानदार मशीन दिखाना चाहता हूं जो कि आपको काफी अच्छी लगने वाली है। यह है अगारो कंपनी का गारमेंट स्टीमर। इसके साथ मिलती है एक साल की वारंटी, दो अटैचमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के लिए और एक जोड़ी ग्लव्स भी। इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसके अंदर दिया गया है सेरेमिक कोटेड स्टीम ब्लेड। ये काफ़ी इजी टू यूज़ है। यहाँ पर नीचे की साइड में स्टीम के लिए बटन दिया गया है और यहाँ पर नीचे की साइड में आपको रिमूवेबल वाटर टैंक मिलता है जिसके अंदर आप पानी डाल सकते हो इजी से और इसको इस टाइप से लगा सकते हो। इसके साथ में आपको काफ़ी लंबी एक कॉर्ड मिल जाती है जो काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पर पीछे की साइड पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। अब ये जो है इसको जैसे आप पावर दोगे 40 सेकंड के अंदर ये ऑन हो जाएगा और आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। इससे आप किसी भी टाइप के कपड़े के ऊपर जो है प्रेस कर सकते हो, इसमें कोई कपड़ा जलेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर स्टीम लगी होती है। और भाई यहाँ पर जो आपको अगर स्टीम करना नहीं आता है, मतलब प्रेस करना नहीं आता, तो भी आप इजी तरीके से कर सकते हो। किसी भी टाइप के कपड़े के ऊपर यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी जगह पर हम जो है प्रेस का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कपड़ा जल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टाइप के आप कपड़े के ऊपर यहाँ पर प्रेस कर सकते हो और काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई टेबल की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हैंगर पर लगाइए और इसको यूज़ करना चालू कर दीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके आप परचेस कर सकते हो और अपने घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हो इसको। तो फाइनली गाइस अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पर हम पीसीबी लेंगे और पीसीबी के ऊपर यहाँ पर कुछ सोल्डरिंग करनी होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो हमारे पहले स्पीकर लगे हुए थे मतलब कान में लगाने के लिए, वहाँ पर हम दो वायर सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट के लिए दो वायर लगा देंगे और राइट के लिए दो वायर लगा देंगे। दो स्पीकर लगे होते हैं इसके अंदर, तो दोनों के अंदर दो दो वायर लगा देंगे। और जहाँ पर हमारी बैटरी लगी हुई थी वहाँ पर भी हमें दो वायर को कनेक्ट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर लेफ्ट के लिए एल और राइट के लिए आर यहाँ पर लिखा होगा और ग्राउंड लिखा होगा जिसमें आप ब्लैक कलर का वायर लगा सकते हो। फाइनली यहाँ पर मैंने दो लेफ्ट राइट स्पीकर के लिए दोनों वायर लगा दिए और बैटरी के लिए भी यहाँ पर वायर लगा दिए। अब यहाँ पर आपको तीन बटन दिखेंगे, जो बीच वाला बटन है ये इसको ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा बटन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस बटन को निकाल लिया, उखाड़ लिया है और दो वायर यहाँ पर कनेक्ट करके इस टाइप का एक पुश बटन लगा दिया है। ये किसी भी टीवी सर्किट जो होता है ना भाई, उसके अंदर आपको इजीली मिल जाएगा, पुराना वाला आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो जैसे हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है 8403 एम्पलीफायर बोर्ड का यूज़ करेंगे। ये काफ़ी कम रेट के अंदर मिलता है, 30 रुपये के अंदर आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा ऑफलाइन। ऑनलाइन परचेस करोगे तो लगभग 40 रुपये के आसपास मिलेगा। तो चलो भाई अब यहाँ पर इसकी वायरिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस माइनस जो लिखा हुआ वहाँ पर बैटरी लगेगी, लेफ्ट में हमारा जो स्पीकर लेफ्ट वाला और राइट में जो राइट वाला स्पीकर है वो ग्राउंड में ग्राउंड वाला वायर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा कनेक्शन है। यहाँ पर देख सकते हो पीसीबी के अंदर जो बैटरी वाला कनेक्शन हमने किया था, बैटरी जहाँ पर लगी हुई थी उन दोनों वायर को लेंगे और यहाँ पर प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं लेकिन 3.7 वोल्ट से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हमारा जो राइट साइड वाला जो ईयरफोन लगा हुआ था मतलब स्पीकर
स्पीकर लगा होता है उसको आर में लगाना है और लेफ्ट को जो एल वाले में लगाना, और ग्राउंड जो हमारा दोनों का है वो दोनों को मिलाकर हम बीच में लगा देंगे यहाँ पर इस टाइप से। फाइनली गाइस अब यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप से हमारा सिंपल सा कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पर दो स्पीकर लगे हुए थे, उन स्पीकर का कनेक्शन इसके अंदर इनपुट में दे दिया है और बैटरी का कनेक्शन दोनों का हमने एक ही में कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब फाइनली गाइस अब यहाँ पर देख सकते हो हमने जो बैटरी का कनेक्शन किया है यहाँ पर, मतलब प्लस माइनस का, यहाँ पर हमें क्या करना होगा इसको उल्टा करके पीछे की साइड में भी सप्लाई देना होगा, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर एक सप्लाई से दोनों को पावर दे सके। तो यहाँ पर मैं रेड कलर का वायर जो है प्लस में लगाऊंगा और ब्लैक कलर का जो वायर है उसको माइनस में लगा देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में हम जो है पावर सप्लाई देंगे तो पूरे सिस्टम में ऑन हो जाएगा ये। अब आउटपुट में आप देख सकते हो प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम दो स्पीकर लगा सकते हैं बड़ी साइज के। तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर लूँगा सबसे पहले, और यहाँ पर जो है प्लस के अंदर ब्लैक कलर का वायर और सॉरी गाइस माइनस के अंदर जो ब्लैक कलर का वायर और प्लस के अंदर रेड कलर का वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, और आपको आवाज़ थोड़ी मेरी डिफरेंस सुनाई दे रही होगी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर मेरे को अभी यार तबीयत ख़राब हो रही है तो इसलिए मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फाइनली गाइस यहाँ पर मैं 3 वाट के दो स्पीकर यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर, तो हमें जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का साउंड मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी के अगर स्पीकर यूज़ करोगे तो आपको अच्छी क्वालिटी का साउंड मिलेगा, अगर आप लो क्वालिटी के सस्ते स्पीकर यूज़ करोगे तो उसमें आपको अच्छा साउंड नहीं दिखेगा। और इन सभी का सामान का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो कम रेट के अंदर। और इन स्पीकर का जो कनेक्शन हम डायरेक्टली कर देंगे जो हमारा एम्पलीफायर का आउट वाले सेक्शन में। फाइनली यहाँ पर देख सकते हो मैंने दोनों स्पीकर का कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक 3D प्रिंटेड बॉक्स बनाया है भाइयों स्पीकर के लिए। अगर आपके पास 3D प्रिंटर नहीं है तो आप जो है किसी टिफिन बॉक्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, या फिर लाइट का जो बोर्ड होता है उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी भी मतलब प्लास्टिक पाइप को आप कट करके भी बना सकते हो अच्छी तरीके से। तो फाइनली यहाँ पर स्पीकर को मैंने अंदर की साइड में लगा दिया और सुपर ग्लू से चिपका दूंगा, और पीछे की साइड का जहाँ पर देख सकते हो मैंने एक प्रिंट किया है जिसके अंदर यहाँ पर पीछे की साइड में रेडिएटर लगाएंगे हम, और यहाँ पर हमारा स्विच लग जाएगा इस टाइप से, दोनों स्विच हम यहाँ पर लगा देंगे। फाइनली यहाँ पर एक रेडिएटर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, इससे क्या होगा कि हमारा जो बूफर का जो क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा आएगा, और यहाँ पर हम इसको इस टाइप से चिपका देंगे। इसको चिपकाने के लिए मैं सुपर ग्लू का यूज़ करने वाला हूँ भाइयों, तो यहाँ पर इसको इस टाइप से लगा देंगे, और अच्छे तरीके से आपको लगाना है क्योंकि यहाँ पर अगर गैप रहेगी तो यहाँ पर एयर लीकेज होगी और अच्छे से साउंड नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसको चिपका देंगे और लगा देंगे। फाइनली गाइस यहाँ पर ऊपर से थोड़ा और लगा दूंगा, और फाइनली गाइस देख सकते हो यह स्पीकर जैसा आपको लुक देता है, लेकिन स्पीकर नहीं रेडिएटर है। साइड में यहाँ पर हम एक हमारा जो स्विच लगा देंगे इसे ऑन ऑफ करने के लिए, और फाइनली गाइस आगे की साइड में भी हमारे जो स्पीकर जो दोनों लगा दिए मैंने और ये सूखा चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं ग्लूगन का यूज़ करूँगा, और जितने भी हमारे जो इसके अंदर PCB है और एम्पलीफायर बोर्ड है उनको अंदर की साइड में लगा देंगे और चिपका देंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये आगे पीछे हिले नहीं यहाँ पर। फाइनली यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे दोनों आउटपुट के जो वायर है, यहाँ पर क्या है ये इस बैटरी लगाने के लिए भाई आउटपुट नहीं, ये बैटरी के वायर है। यहाँ पर 3.7 वोल्ट की एक लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करूँगा मैं 2000 mAh की। यहाँ पर ये जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे स्पीकर चला सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस का जो वायर हमने प्लस में लगाना है और माइनस का माइनस में लगाना है। तो यहाँ पर माइनस का तो मैंने लगा दिया है, लेकिन प्लस के वायर को मैं लगाने से पहले बीच में से कट कर दूंगा, ताकि यहाँ पर जो हमारी पावर सप्लाई डायरेक्टली ना जा सके, और यहाँ पर जो हमने वायर को कट करा है उस जगह से इस स्विच के अंदर हम कनेक्शन करेंगे। काफ़ी सिंपल सा काम है, जो कट करा है दोनों वायर को हम इस स्विच के अंदर लगा देंगे। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा बैटरी का, और यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। तो भाई जब तक मैं इसके अंदर सोल्डरिंग करता हूँ, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके गाँव का नाम क्या है और आपका नाम क्या है। और यहाँ पर हमारी जो बैटरी इसको नीचे की साइड में चिपका दूंगा, तो यहाँ पर ये हमारी हिलेगी नहीं बैटरी, आगे पीछे कहीं भी नहीं जाने वाली है, ठीक है। और इसी टाइप से स्विच को भी यहाँ पर चिपका देंगे। और मुझे अभी मेरी अभी तबीयत ख़राब हो रही है तो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अगर कुछ गलत बोलने में आ जाए, कुछ नाम इधर उधर चल जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में मतलब ऐसे बताना मत, क्योंकि अभी क्या है बोलने में दिक्कत हो रही है काफ़ी। अभी यहाँ पर भाई बैटरी चार्जिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक चार्जिंग मॉड्यूल लिया है, नीचे की साइड में हमने यहाँ पर जो बैटरी का जो कनेक्शन दिया गया है P+B-, यहाँ पर हमने दो वायर कनेक्ट कर लिया जो कि बैटरी को चार्ज करने में हमारे काम आएंगे। और आगे की साइड में देख सकते हो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट जो दिया गया है इसका मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर मैंने जो एक माइक्रो USB जो फीमेल जैक है उसका मैंने यूज़ किया है आगे की साइड में, ताकि हम इसको होल करके बाहर की साइड में लगा सकें। फाइनली यहाँ पर जो हमारा इस चार्जिंग मॉड्यूल जो है इसका मैं बैटरी से कनेक्शन कर लूँगा यहाँ पर डायरेक्टली। और यहाँ पर जो हमारे 3D प्रिंटेड जो हमने बॉक्स बनाया था इसके अंदर मैंने यहाँ पर भूल गया था इसको लगाना, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक होल कर देंगे और यहाँ पर इसको फिट कर देंगे इस टाइप से। अब चार्जिंग मॉड्यूल के ऊपर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे टेप लगा देंगे, ताकि ये कहीं शॉर्ट सर्किट ना कर सके। और फाइनली यहाँ पर हमारा जो पूरा बॉक्स है इसको इस टाइप से चिपका देंगे। इसको चिपकाने के लिए हम यहाँ पर जो है सुपर ग्लू का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सुपर ग्लू से यहाँ पर ये खुलेगा नहीं बाद में, तो आप यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ करके इसको अच्छे से चिपका देना।
फाइनली गाइज हमारा स्पीकर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है और यहाँ पर अपने जो बेस्ट चीज़ थी उससे यहाँ पर बेस्ट बनाकर दिखा दिया है। यहाँ पर इसको चार्ज कर सकते हो। अब इसको चालू करने के लिए हमारा जो बड़ा वाला बटन है इसको चालू करेंगे और साइड में जो बटन दिया गया छोटा वाला उसको भी साथ में प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। फाइनली गाइज यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा है। अब इसको चालू करते हैं और फाइनली गाइज यहाँ पर देख सकते हो ये चालू हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर जैसे देख सकते हो मैं इसको चालू करके आपको दिखाऊंगा। इसका साउंड सुनिए और आपको ये जो साउंड है काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि इसके अंदर जो हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया है वो हमारा वन प्लस का जो अच्छी क्वालिटी वाला जो होता है ना वो हमारे कंपनी वाले उसका यूज़ किया है जो काफ़ी अच्छा हमें क्वालिटी मिलने वाली है। यहाँ पर पीछे की साइड में रेडिएटर जो है यहाँ पर बूफिंग का काम काफ़ी अच्छे से कर रहा है। तो फाइनली गाइस आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो फाइनली गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।